आज पांचवें चरण का मतदान जारी है। मतदान में करीब 1,24,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर 349 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जा रहे इस चरण में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी दीपा दास मुंशी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई के पोते चंद्र कुमार बोस के भाग्य का फैसला होना है। और पांचवें चरण के मतदान के बारे में जानकारी के लिए सिंगूर से हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अश्विनी, कैसी चल रही है मतदान की प्रक्रिया? जी, तस्वीरें खुद बयां करती हैं कि पांचवें चरण का जो मतदान है लोगों में कितना उत्साह है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होना था, उसके पहले ही लोगों की, महिलाओं की और बुजुर्गों की, युवाओं की, मताधिकार का अधिकार रखने वाले लोगों की कतारें यहां पर लगी हुई हैं। आप देख सकती हैं कि जिस तरीके की यहां पर लंबी लंबी कतारें सुबह 7 बजे से ही लगी हुई हैं, खुद बयां करता है कि लोगों का उत्साह कितना है, लोगों में कितनी ज़्यादा अपने मताधिकार को, इस मौलिक अधिकार के उपयोग को लेकर कितनी जागरूकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की लंबी लंबी ये बताती हैं कि किस तरीके से इस लोकतंत्र के, जनतंत्र के पर्व में वो सबसे ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती हैं। अगर इस चरण की बात करें तो शाम 6 बजे तक मतदान होगा। जो बंगाल के अब तक के 4 चरणों का जो ट्रेंड रहा है वो ये है कि सुबह ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान केंद्रों की तरफ आते हैं, तकरीबन 12 बजे से 3 बजे तक मतदान केंद्रों पर इक्का दुक्का लोग आते हैं और ये यहाँ का ट्रेंड रहा है। तो ये बड़ी हुई भीड़ बताती है कि लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। और ये भी जो नारा राजनीतिक दल सामान्य तरीके से देते हैं कि पहले जलपान फिर मतदान, वो यहाँ पर पहले मतदान फिर जलपान, माफ़ करिएगा, तो पहले लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, उसके बाद लगता है कि वो घरों में जाके अपने अन्य दैनिक कार्य सुनिश्चित करेंगे। तो साफ तौर से तस्वीरें बयां करती हैं कि कितना उत्साह है और निश्चित तौर से ज़बरदस्त मतदान होगा। जी अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ। दक्षिण कोलकाता से हमारे संवाददाता कुमार आलोक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, वहाँ पर क्या है मतदान का नज़ारा, किस तरह से लोग जुट रहे हैं? देखिए, चूंकि ये पॉश एरिया है साउथ कोलकाता का और यहाँ पे मतदान की जो गति है वो काफ़ी धीमी है, लेकिन जब हमने दूसरे बूथ का जो दौरा किया यहाँ पर आसपास के लगभग 10-12 बूथों में, तो वहाँ भी इसी तरह के हालात है। हालांकि कुछ बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिली, लेकिन अभी शुरुआती है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपने घरों के काम को निपटा करके यहाँ पर मतदान करने के लिए आएंगे। लेकिन जो ग्रामीण एरिया, जो सबर्बन एरिया है इस विधानसभा क्षेत्र का, वहाँ से भारी मतदान होने की खबर मिल रही है और यहाँ भी मतदान की गति बढ़ेगी। हमने स्थानीय लोगों से बात की, हालांकि अभी गति काफ़ी धीमी है, लेकिन यहाँ कुल मिलाकर कहें तो ये बहुत ही VIP कंस्टिट्यूंसी है। यहाँ से ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं और उनके खिलाफ, जैसा कि आपने अपने एंकर में बताया, दीपा दास मुंशी। और ये पूरा चरण जो है 53 सीटों पर जो चुनाव हो रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड है, ये 53 सीट जो है, और यहाँ से जो पार्टी बढ़त लेगी, जो पार्टी यहाँ से बढ़तरी हासिल करेगी विधानसभा क्षेत्रों से, वो सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ने में कामयाब होगी। तो कुल मिलाकर कहें तो विपक्षी पार्टी, खासकर BJP का भी यहाँ स्ट्रांग होल्ड है कुछ क्षेत्रों में, तो BJP की भी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगी है। और अमित शाह की जो सभा थी उसमें उन्होंने खुला ऐलान किया था कि हमें बाकी सीट दो चाहे नहीं दो, लेकिन भवानीपुर की सीट दो, जनता से उन्होंने मांगा था इस सीट को अपने चंद्र कुमार बोस के लिए। तो तीनों पार्टियों ने इस सीट के लिए, खासकर भवानीपुर सीट के लिए, अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अब देखना है मतदाता जो यहाँ पर वोट देने आए हैं उनके मन में क्या है, इन सब चीज़ों का पता 19 तारीख को ही चलेगा। जी बिल्कुल आलोक, भवानीपुर सीट खासी महत्वपूर्ण है। अश्विनी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, मतदान केंद्र पर जहाँ पर आप मौजूद हैं काफ़ी संख्या में लोग सुबह से ही मौजूद हैं, किस तरह के चुनावी इंतजाम हैं चुनाव आयोग के वहाँ पर, चुनावी प्रबंध कैसे, और महिलाएँ काफ़ी बड़ी संख्या में हैं? जी, अगर इंतजामात की बात करें तो विशेष इंतजाम किए गए हैं, बेहद खास इंतजाम किए गए हैं, निर्भय माहौल में निष्पक्ष तरीके से मतदान सुनिश्चित हो, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की पूरी कोशिश है। और पहले चरण के अनुभवों को देखते हुए कोई भी कोर कसर, किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 680 कंपनी सेंट्रल पुलिस फोर्सेज की लगाई गई हैं, 25,000 के आसपास जो है वो राज्य पुलिस बल के जवान लगाए गए हैं, जो कतारों को
संभालने की जिम्मेदारी है, वहीं तक उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है राज्य पुलिस बल के जवानों की, और जो बूथ की जिम्मेदारी और आसपास की जो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन है वो स्थितियाँ कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेंट्रल पुलिस फोर्सेज के हाथ में है। और पूरे इलाके में जहाँ पर 53 विधानसभा सीटों में जहाँ पर मतदान हो रहा है, 48 घंटे पहले ही धारा 144 लगाई जा चुकी है। साफ तौर से मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह के वाहन का आना जाना पूरी तरह से वर्जित किया गया है। कोई भी पोलिंग एजेंट यहाँ पर किसी तरीके का अपनी दखल नहीं कर सकता है। साथ ही साथ कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जा रहा है, और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि भयमुक्त वातावरण, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। रमा जी, अश्विनी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, और नज़र बनाए रखिए, पूरा दिन आपसे जानकारी लेते रहेंगे। कुमार आलोक दक्षिण कोलकाता से और अश्विनी सिंगूर से, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और बोलो।